समरी ने कलवरी क्लास है, वो जो अभी इन्होंने न्यूज में देखा था। और कलवरी क्यों फेम, मतलब ऐसा क्या है कलवरी क्लास में, ये देख के नहीं आए। ठीक है, ये सब नॉन न्यूक्लियर थी, तीन अपनों ने देखी थी, कौन कौन सी? हाँ सिंधु, हाँ कोई सी और, हाँ कोई शिशु, शिशु मार, शिशु मार, हाँ तो फिर उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, सिंधु घोष। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये कैसी है, नॉन न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर कौन कौन सी है अपने पास, बस एक ही है, तो इसलिए देश के पास एक ही है। वेरी नाइस, अभी जो बनाई वो है, हाँ और बस इतना ही है। सैंडफिश के नाम पे, तो क्या है ये मछली के बारे में ऐसा कुछ? वाह यार, ठीक है समझ गए सब लोग। ठीक है, प्रीडेटर मतलब शिकार करता हो, है ना, और डीप सी प्रीडेटर मतलब, समझ गए, तो ऐसे कौन सी बड़ी बात बोल दी उसने? दूसरी हो जाएगी, है टेस्टिंग चल रही है ना। ठीक है चलो, इसके अलावा और क्या होमवर्क था? हाँ पढ़ के आए कुछ? हाँ क्यों भैया, इसके अलावा कोई रिवर लिंक ही नहीं हो रही है? एक 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 कर, कौन कौन? एक आध का नाम, नहीं तो मेरे को सब पता था सर। पेनिनसुलर में और, हाँ हाँ और गंडक गंगा, सही है, ये है इसका रिवर लिंकिंग का। ठीक है, सबसे पहला तो अपना केन बेतवा है। ठीक है चलो, और क्या होमवर्क था? है ना, वो सस्ता ही, हाँ सस्ते सस्ते काम में, मैंने बोला था ना उस टाइम 5 लाख करोड़ का था। अभी तो बताया इन्होंने, हाँ 14 ही है। ठीक है, कैनाल सिस्टम एक अलग चीज है। ठीक है चलो, और क्या होमवर्क था? सारी कंट्रीज के इंडिया के राल रखे, नहीं नहीं उसने बोला ही था सारे कंट्री बोला उसने, मे और के में अंतर हो गया ना यहाँ पे। सबसे ज्यादा किसके हैं जो बाहर डायस्पोरा है? इंडिया का ही है पक्का, चाइना का नहीं है, इंडिया है। हाँ मतलब सीरिया के इतने ज्यादा है, ठीक है देख लेंगे इसको, तो नहीं हो सकता वहां, ठीक है ये तो देख लेंगे, पर इंडिया है पक्का। कौन से कहां से देखा है डेटा? नेम वन, हाँ क्या नाम? पक्का इंडियन एक्सप्रेस में था, फिर ठीक है ना। ऐसे जो ये लिंक मिला करे ना, तो इसको एक काम करा करो, ग्रुप पे भेज दिया करो, ऐसे एक ऑप्शन आता है शेयरिंग, पता है? और क्या है,
इसके अलावा और क्या था? हाँ, किस किस से करा हुआ है? बिलियन डॉलर्स का। और हाँ तो है ना, श्रीलंका से भी है। और स्वैप, मनी स्वैप। और किससे? बहुत सारी कंट्रीज से। आप बताते जाओ, मैं सुन रहा हूं। तुम मेरे सामने अगर गूगल कर रहे हो तो फिर तुम होमवर्क क्या करके आए हो? चलो नेक्स्ट होमवर्क जल्दी बताओ। बस यहां तो कुछ था ही नहीं। चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ भैया, देखो अटल टनल कैसी हालत हो गई। अटल टनल कहाँ है जी? हाँ, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था साइन? पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फिर उनकी पीठ पे नीले छत्ते कैसे आ गए? जो उनके उनके जो बेटे हैं ना, उनके बेटे हैं, उन्होंने बताया कि हमने जब बॉडी देखी तो उसमें नीले दाग थे। यही तो कॉन्स्पिरेसी है। मतलब कल तक सब सही था, अचानक से तो सुसाइड क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये भी है। ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, सबसे पहली बात, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर जब हुआ था ना 65 वाला, इसमें इंडिया लाहौर तक पहुंच गया था। पता है, हम तो जबरदस्ती मतलब ऐसे उसको छोड़ के आए कि रख लो वापस तुम्हारा ये। पता है तुम लोगों को, एक फोटो बहुत फेमस है लाहौर की चौकी के पुलिस पे अपने इंडियन सोल्जर्स खड़े हुए। भाग गए थे ये लोग अंदर पाकिस्तान में। और ज्यादा ये हालत इंटरनेशनल बॉर्डर थी इंडिया की, उसमें कि भाई जो हम पे अटैक करेगा उस पर यही होगा। लाल बहादुर शास्त्री, मतलब पता लाल बहादुर शास्त्री का कैसा है? इतनी हाइट थी, 5'2" बहुत कम हाइट थी। और उनको हमेशा ऐसा मतलब एक क्या बोलते ना, एक पपेट पीएम भी नहीं, पपेट तो नहीं था, मतलब आप बोले कि बिल्कुल मतलब जो डरता है, सॉफ्ट स्पोकन है, मतलब वो जो बोलते थे देखो ऐसा है, इस तरह से बात करते थे, है ना? सुनो मेरी बात। और कई स्टार्टिंग में उनके साथ ये देखने को भी मिला कि यार वो कहीं कहीं पे दब भी गए, ठीक है? तो लोगों को ये लगता था यार ये जो पीएम है तो मुश्किल हो जाएगा। इतने में हो जाता भैया इंडिया पाक वॉर, ठीक है? और ऐसे में बिल्कुल जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि शास्त्री जी बोल देंगे युद्ध करने का, क्योंकि भाई स्ट्रिक्ट गांधीवादी है व्यक्ति, जो अहिंसा को फॉलो करता है ना? और भाई उनके सामने जनरल आए तो जनरल से बोला क्या करना है, मतलब जनरल बोले सर क्या करें, बोले कुछ नहीं निपटा दो, बोले निपटाओ मतलब क्रॉस कर दो बॉर्डर पक्का, बोले मैं संभाल लूंगा, लिटरली ये करा उन्होंने। और आर्मी ने फिर छोड़ा ही नहीं किसी को, फ्री हैंड, पूरा तरह से फ्री हैंड। और आप समझो लाल बहादुर शास्त्री को लोग इतना मानते थे, आपको पता है जैसे जय जवान जय किसान, हाँ ये स्लोगन आया क्यों था? प्रॉब्लम क्यों थी? वॉर के कारण, लगातार दो वॉर झेले थे इंडिया ने, 62 का चाइना वॉर और 65 का पाकिस्तान वॉर। तो क्या हुआ भाई, फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा कमी आ गई अपने यहाँ पे। तो इनफैक्ट इनमें ये बोला कि भाई किन दो लोगों को सबसे ज्यादा अभी सपोर्ट की जरूरत है, किसान एंड जवान। तो इन्होंने फिर बोला जय जवान जय किसान। इन्होंने क्या करा पता है, एक महीने तक अपने घर पे बोल दिया कि भाई आप कोई भी, सब लोग अपन सिर्फ एक टाइम खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इतना ही खाना है इंडिया में, ठीक है? तो पहले खुद पे लागू किया और अपनी फैमिली पे लागू किया। फैमिली ने बिना क्वेश्चन ये सब कुछ फॉलो करा इनका। ये कोई कहानी नहीं है, ये लिटरली रियलिटी है, हर जगह इसके साक्ष्य अवेलेबल है, ठीक है? पूरी फैमिली का इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया एक महीने तक
ये ठीक है, एक महीने तक अगर किसी ने सबने एक एक टाइम खाना खाया, किसी को ना हेल्थ में कोई हुआ, ना किसी का प्रोडक्शन में कोई कमी आई, सब कुछ बढ़िया, खुद ने भी करा वो चीज, ठीक है, हाँ फैमिली में डाल के देख लो, ये किया ठीक है, उसके बाद फिर वो देश के सामने गए और बोले भैया मैं आपसे देखो, आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि देखिए हमारी थोड़ी स्थिति खराब है, और आप सब लोग क्या करो, दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाओ, और सबसे बड़ी बात लोगों ने माना उनकी बात, ये थे शास्त्री जी। तो ऐसी चीजें होती है, ठीक है। अभी मैक्स वेबर जब पढ़ेंगे ना, उसमें देखना अभी अलग अलग अथॉरिटीज आएगी, मैक्स वेबर बहुत सारी चीजों को टच करता है अपने क्या बोलते हैं सोशल लाइफ को, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल ऐसे दिखते हैं कि हाँ हाँ ऐसा भी तो हुआ था, ऐसा भी तो हुआ था, और फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी चीज और होती है तब भी देखने को मिलता है, इतनी स्टडीज रहती है इनकी, ठीक है। चलो तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ आगे बोलो थोड़ा सा, हाँ 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 सही बोल रहे हो तुम, आगे बोलो। हाँ वहां इसलिए गए थे क्योंकि पाकिस्तान वाला तो इंडिया आने से रहा, और अपन पाकिस्तान जाएंगे नहीं, तो कोई एक है ना कॉमन ऐसी जगह जहां ना तेरी चलती हो ना मेरी चलती हो। और यूएसएसआर ने एक तरह से बीच में दोनों की बातचीत करवाई थी, क्या टेंशन मतलब हम बैठे ऐसा है, और कुछ बस ठीक है आगे बढ़े। चलो शहर से सुदूर ये फोटो है, हाँ नहीं नहीं गेट पे, गेट पे बर्फ जम गया, मतलब बहुत सही टाइम है जाने का। चलो हिमाचल के ठीक है, ओके। ब्राजील फुटबॉल विश्व कप से बाहर, ठीक है। समान नागरिक संहिता मतलब कौन सा आर्टिकल, बढ़िया। पुरानी पेंशन स्कीम पर दौड़ी राजनीति, हाफेंगे राज्य राज्यों के खजाने, क्या समझो इसका मतलब, हाफेंगे मतलब ठीक है। चलो अब एक चीज अच्छी हो गई, कम से कम तुम लोगों का इतना लेवल हो गया, मेरे को ज्यादातर चीज समझाना नहीं पड़ती। ये क्या हो रहा है, अरे वो लड़का वो तो, किसका बता रहे हैं असल पर, अच्छा ठीक है वो एग्जिट पोल, ठीक है अपना लोहा का अनूठा अवसर, सही बात है। सुखू ठीक है, सब सब यही चीजें हैं, देखना नहीं तो एक आध बिल नहीं निकल जाए बीच में से। रविंद्र जडेजा की बीवी जीत गई, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोलेजियम का संभावित निर्णय नहीं किया जा सकता सार्वजनिक, मतलब कोलेजियम अगर किसी को चूज कर रही है, क्यों कर रही है, तो उसको आप नहीं बता सकते, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। हाँ हाँ ये पढ़ेंगे उसमें तब समझ पाएगा इनको। चलो मध्य प्रदेश में ठीक है, 33 बाघों की मौत है ना, 6 का शिकार, कर्नाटक में 14, उत्तराखंड में इतना है, इसमें पॉपुलेशन दिया हुआ इनका नहीं दिया। चलो ढूंढ, पिछली बार मैंने होमवर्क दे रखा है ना, क्या सबसे ज्यादा किसमें है, कौन से स्टेट में, कितने, हाँ 208 शेर चीते कितने एमपी में, टाइगर, चीतों के तो नाम तक पता है लोगों को, चीते नहीं ढूंढना है अपनों को, टाइगर का ही बोला था। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आदिवासी महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति मतलब अपना जो हाँ जो इनहेरिटेंस मतलब जो प्रॉपर्टी पे का मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है, जो ट्राइबल लॉज है वो थोड़े थोड़े अलग भी होते हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बोल रहा है, ठीक है, मतलब एक तरह से देखो लेजिस्लेचर में जा रहा है,
आ रहा को समझ में, अपना जुडिशरी, ठीक है। फिर क्या है, राज्यों के नतीजे, ठीक है। स्वीकार नहीं समान सम्मान पर, ठीक है। अपारदर्शी व्यवस्था का हो समाधान। देखो भैया, अच्छे से मिलेगा आप लोगों को कोलिजियम के बारे में इसमें, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। और देखो एक तरह से कोलिजियम का वही बता रहे कि क्या समस्याएं हैं उसमें, क्या प्रॉब्लम है कोलिजियम में, ठीक है। सीधी सी बात है, देखो अभी अपनों ने देखा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेक है पूरा, अपारदर्शी मतलब ओपेक, ठीक है। फिर क्या है, ठीक, बहुभाषिक विरासत का उत्सव, नहीं छोड़ो वीरेंद्र, ठीक है। केंद्र ने, ठीक है ये को, ठीक है, मतलब क्या हो, एडिशनल याद आया है ना। देखो किसने मांगा, एग्जीक्यूटिव ने, क्यों, क्योंकि भैया देखो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उस पे किसका हक है, मतलब कंट्रोल किसका है, पार्लियामेंट का है, आ रहा कुछ समझ में। और गवर्नमेंट का अगर उससे कुछ खर्चा करना है तो किससे मांगना पड़ेगा, आ रहा कुछ समझ में, कितने रुपए मांगे, पूरा देश चलाना है, सोचा सिर्फ 3 लाख में क्या होगा। चलो ठीक है, है ना, मुझे ये देख के बताना आपको पढ़ के कि क्यों मांग रहे हैं, ऐसा क्या कमी पड़ गई, है ना। चलो शेडो बैन पर, ठीक है, चालू रबी सीजन में गेहूं का अम्ब्रेला प्रोजेक्ट मतलब क्या, पहले बताओ तुम कहां पढ़ के आए, फिर मैं समझा। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है ना, देखो सुनो, छाता देखा है कभी पक्का, ऐसा ओपन किया उसको ऐसे खुल जाता है वो, है ना। तो देखो छाते का एक बीच में एक हब रहता है और उस हब पे अलग अलग स्पोक्स निकली होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक है और उससे रिलेटेड और अलग अलग चीजें हैं, आ रहा कुछ समझ में। जैसे कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टाटा इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीपल टाटा वाला, जैसे भाई एक टाटा ग्रुप है ना, ठीक है, उसका क्या होगा, टाटा स्टील्स होगा, टाटा कार्स, टाटा का डबक, तो समझ में आया, ब्रांचेस नहीं बोलेंगे इसको, अलग अलग एंटिटीज है उनकी, आ रहा कुछ समझ में, ऐसा है। तो उसको ये जो मेन चीज है उसको क्या बोलेंगे, अम्ब्रेला, ठीक है। चलो सहयोगी नहीं बल्कि एक महाशक्ति, ठीक है, कुछ है ही नहीं आज पढ़ने लायक क्या, ठीक है खत्म। ये क्या आया, असफलता से, हाँ मतलब 1 किलोमीटर लंबी सड़क काट, ठीक है। ये क्या है, हिट समझ रहे हो, किसके ऊपर, आईपीएस काय की, ये कौन सी वेब सीरीज है, हाँ पता, आईपीएस, हाँ चश्मा वाला वो, हाँ कब बन गई मुझे नहीं पता, बहुत टाइम से भी देख नहीं पा रहा हूँ, हाँ इनकम एक्चुअली ले ही नहीं सकते थे वो, बुक लिख तो लिख सकते हैं, सबसे बड़ी बात, अभी वो उन्होंने लिखा है जो मैं मेरे फ्रेंड का बता रहा था, क्या नाम है उनका, अरे नहीं मैं भी भूल गया तुम्हारे चक्कर में, कभी गांव कभी कॉलेज इस तरह से एक वो बुक लिखी है, अरे क्या नाम है, अगम जैन जो है, मैंने बताया ना गवर्नमेंट के, गवर्नर के एडीसी थे जो अभी,
वो अभी उसमें ललन टॉप पे आए थे वो अपनी बुक को बताने, फिर ललन टॉप पे अपने में ज्यादा जिनकी बुक आती है हिंदी में, एमिनो एसिड से हुई पृथ्वी पर जीवन की, ठीक है। काल में एंटीबायोटिक प्रति बैक्टीरिया पर खतरा, ठीक है। हाँ हाँ वही 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 ठीक है, कोई काम का नहीं भैया आज कुछ भी बैठा जा रहा। चलो भैया लाज बचा लेना आज। हाँ क्या कुछ छूट गया क्या आपको से? सम विटामिन डी देखो। कल इनका आर्टिकल देखा था ना परसों अपनों ने, डेरेक ओब्रायन, कहाँ गया? अच्छा जी प्राइवेट मेंबर है। हाँ व्हाट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल? द बिल व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस पर्टिकुलर बिल इज नोन एज प्राइवेट। याद है सबको बताया था मैंने ये? अच्छा मतलब ठीक है देखो ये क्या है, इस बिल के बारे में पढ़ के आना, ठीक है। नेशनल जुडिशियल कमीशन क्या है, ये वाला एनजेएसी वाला ही टाइप का कुछ है क्या? तो देखो ना इसमें क्या चेंजेस करके लाए अब कौन है भैया। चलो 2015 में कितने हैं? है ना, पर अब देखो इसमें क्या है, फॉरेनर्स वो अडॉप्टेड इंडियन सिटीजन भी है कितने, और अब देखो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, आ रहे बहुत बड़ी बात है। 20 में कम हो गए थोड़े, है ना, ठीक है। क्या लिखा है, एक्सेप्ट सिटीजन ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, फिर एक नया देश निकल के आ जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर वर्सेस, देखो फिगर बेस्ड ऑन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वर्सेस मुरलीधरन रिप्लाई इन लोकसभा, समझ में आ रहा है वीर मुरलीधरन। चलो ठीक है डेलीगेशन, ठीक है ये क्या हो रहा है देख, नहीं तो वो पूछ ले यूपीएससी, ठीक है फिर ठीक है। नहीं वो जब से वो पूछा ना वो क्या नाम है मशरूम वगैरह, हाँ तब से तो टेंशन ही होने लग गया, क्या पूछ ले बता रही। देखो इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम वोट ऑन यूएस लेड रेजोल्यूशन एट यूएनएससी टू अलाउ एड टू सेंशनल सैंक्शन एंटिटीज, इस वर्ड का मतलब बता दो बस। गए नहीं उस दिन, ठीक है बस इतना समझ लो। क्या है भैया, क्लियर कॉलेज ऑफ रिकमेंडेशन टू एलिवेट जस्टिस दीपांकर दत्ता टू सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर ही बात चल रही है मतलब, ठीक है। हाँ मस्ट फॉर डिग्री विथ ऑनर्स, 4 साल का कर देंगे मस्ट, अब मस्ट कर रहे हैं शायद ऐसा बोल रहे हैं। ये क्या हो रहा है,
साइक्लोन आया कोई, साइक्लोनिक स्ट्रॉम है, ठीक है। चलो ये ममलापुरम कहां था, ये क्यों फेमस है, जहां पर हाँ मैंने दो तीन बार क्लास में बताया इस जगह को, क्यों फेमस है ये ममलापुरम, थोड़ी और हेल्प कर देता तुम लोगों की, इसका दूसरा नाम है महाबलीपुरम। साउथ के सारे टेंपल्स में गोपुरम होते हैं, है ना। क्या है ये चैरिटी एंड ब्रश साइड, ठीक है ये वाला छोड़ो ब्रो। हाँ पता है ना मुझे, मैं तो गया हूं। शोर टेंपल है, पंचरथ टेंपल है, महिषा मर्दानी टेंपल है ना। तिरुपति उधर नहीं है, तिरुपति वहां से बहुत दूर है, ठीक है। कृष्णास बॉल है ना, बटर बॉल सॉरी, मक्खन का लड्डू, अभी भी उस पर G20 का फोटो लगाया था इन लोगों ने, देखा आप लोगों ने, ये आप सब जगह पर उस पत्थर पे भी लगाया है ये चीज। जब वो चाइना वाला आया था तो चाइना वाले को मोदी जी ने दिखाया था, पता ही क्या है पत्थर, बोले नहीं, बोले कृष्णा का मक्खन का है, ठीक है। बेचारा घर तक टेंशन में गया है। मैन्युफैक्चरिंग डिस्कंटेंट, कर्नाटक महाराष्ट्र कौन सी जगह के लिए हो रहा है ये सब चीजें, बेलगाम के लिए है ना। क्या बात करो, मतलब जिले बढ़ जाएंगे, अच्छा है ज्यादा कलेक्टर कार्डर कार्डर बढ़ जाएगा। चलो बिहाइंड मुंबई इज अनयूजली फॉल एयर चेंजेस इन विंड पैटर्न, ठीक है समझेंगे इसको। डिबेट ओवर जंबोस वर्मिन, व्हाट इज वर्मिन, मतलब बताओ मीनिंग ऑफ वर्मिन, नहीं पता है आप लोगों को वर्मिन क्या होता है। अच्छा चलो मुझे बताओ एक चीज कि टाइगर प्रोटेक्टेड है ना, तो देखो क्या अभी वैसे एनवायरमेंट में देखेंगे अपन, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये क्या होता है कि जो भी जानवर है मतलब प्रोटेक्टेड जानवर है उनको मारने से मना करता है ना, ठीक है। पर क्या होता है पता है, यही एक्ट एक चीज ये भी बोलता है कि अगर कोई जानवर ज्यादा बढ़ जाए और इंसान के लिए खतरा हो जाए तो आप उसको मार सकते हैं। आप लोगों ने शेरनी मूवी देखी है, क्या होता है उसमें, रहता है पक्का है ना, तो सबसे पहले तो वो टाइग्रेस रहती है, क्योंकि टाइगर रहती है तो उधर टिकटॉक वाला हो जाएगा कोई, समझ में, ऐसा घूम के यूं। देखते हैं ना पहले, इंक्लूड तो करने दो, सब चीज आएगी, आर्टिकल 3 आएगा वैसे तो, पर देखते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं पहले समझू सही में, मैं जो पूछ रहा था, मैं जो बता रहा हूं पहले वो सुनो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, मतलब शेर को भी मार सकते हैं, आ रहा कुछ समझ में। अब ये जो चीज होता है ना खतरा हो जाना, इस वर्ड का मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जब कोई भी जानवर या ऑर्गेनिज्म अगर ज्यादा बढ़ जाए, उसका ग्रोथ ज्यादा हो जाए, जिससे क्या हो कि वो अफेक्ट करने लगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्मिन। अब देखो यहां पे सिर्फ इस लाइन को पढ़ के, अभी अपनों ने जैसे ये नहीं पढ़ा है ना, तो क्या है, डिबेट ओवर जंबोस, जंबोस मतलब हाथी, हाथी का क्या हो जाना, कुछ समझ गए, कुछ समझ गए आप लोग है ना। जैसे देखो अभी एक या दो साल पहले वो देखा था, वो हाथी जो वो हथनी जो प्रेग्नेंट थी उसको वो पाइनएप्पल खा गई थी, वो ब्लास्ट हो गया था उसके पेट में,
है ना, तो ऐसा कैसे हो गया? कौन सी, एक मिनट, कौन सी गैसेस? तो फिर क्यों बोले? अरे पाइनएप्पल में बम दिया ही क्यों? खिलाया नहीं था, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से रख रखते हैं वहां पे, ताकि ये क्या हो, जैसे खाने जाए वो फूट जाए और ये भग जाए हाथी वहां से। जैसे आप लोगों को पता है वहां पे खेतों के वहां पे बॉर्डर पे क्या करते हैं, वो लसन बम आते हैं अपने, वैसे फेंकते फूट जाते हैं, इस तरह के बम को लगाया जाता है बड़े, ठीक है, ताकि जैसे हाथी अगर उस पर टकराए तो वहां पे फटाके फूटे और हाथी साउंड के कारण खेत से दूर चले जाए। पता है आपको ये चीजें? कभी सुना ही नहीं ऐसा। जैसे गांव वाले हाथियों को कैसे भगाते हैं पता है? ढोल बजा के, पटाखे फोड़ के। नहीं पता आपको ये चीजें हैं? यही करते हैं। नहीं पता ये चीजें? कौओं को, कबूतरों को भगाने के लिए फोड़ते हैं ढम करके, जैसे हाथियों को भी कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये चीज की जाती है, तो उसी में वो हथनी ने एक पाइनएप्पल खा लिया था उस टाइप का, तो अंदर जाके ब्लास्ट हो गया और वो प्रेग्नेंट थी, ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये चीज करी जाती है। तो देखो भैया क्या हो रहा है, ये चीजें अभी अपनों ने देखा, पहला फीमेल हर्ड देखा है बड़ा एक, उस अभी दो तीन उसमें भी आया, मतलब हाथी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं अपने लिए। तो चलो पता करो कौन कौन से स्टेट में हाथी होते हैं इंडिया में, सबसे पहली बात तो ये पता करो, है ना, विच ऑफ द स्टेट्स हैव एलिफेंट पॉपुलेशन, दूसरी बात सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट कहाँ है, ठीक है। फिर क्या हाथियों में भी कुछ अलग अलग स्पीसीज होती है, ठीक है, इंडिया में, साउथ अफ्रीकन, बस दांत, हाइट, उम्र, कलर, आंखें सब अलग रहती है। मैं भी पढ़ के आया हूं। मैंने पढ़ रखा है, खैर ये चीजें है ना, तो याद रखना इंडियन हाथी से थोड़ा सा बड़ा होता है अफ्रीकन हाथी, ठीक है। इंडिया में भी कुछ अलग अलग पाए जाते हैं, ये भी पता कर लेना, अगर नहीं होते तो अच्छी बात है, होते हैं तो पता कर लो, ठीक है। दूसरी चीज है अफ्रीकन वर्सेस इंडियन एलिफेंट, 70 से मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है वो आते टाइम कितने साल का है। वो बोल रहे जो आते हैं तो कितने साल के, पर जब आते टाइम कितने साल का वो पता लगेगा। जैसे अगर कोई मान लो छोटा सा आती है ना, तो वो हो सकता है छोटा होगा। ऊंची ऐसे रही, मैं क्या बोलू। तो हाथी बड़े होते हैं बेटा, कैसे लगे इतने इतने से हाथी। कोई कोई बात नहीं। समझ गए तुम ना, सब ठीक है। ये वाला तुम लोग पढ़ना थोड़ा, अपने जितने बड़े बाप रे, ठीक है। द मीडिया बार्गेनिंग बिल इन यूएस, ठीक है, एक बार पढ़ लेना क्या चल रहा है वहां पे, ठीक है। फिर क्या है, मदर ऑफ ऑल, फिर भी दो पॉइंट, सलाम वेंकी, ठीक है, ब्लर, ठीक है, इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है, हाँ इमेंसिपेशन मतलब, हम हार मानते हैं, ऐसा है दुखों से निपटारा, ठीक है। जापान यूके इटली टू जॉइंटली बिल्ड जेट, ठीक है। क्योटो का पहला मेजर डिफेंस टाई अप,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना जापान की खुद की आर्मी नहीं है, पर अब उन्होंने चालू कर दी बनाना, पता है आपको ये चीज। जैसे जब वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी हो जाता है ना, उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि नहीं यार अब हमें शांति की राह पे चलना चाहिए। इन्होंने यूएस को बोला कि तुम हमारा डिफेंस संभालो, ये वो सब कुछ है, हम ना आप किसी पर अटैक करेंगे ना कुछ, ठीक है। पर बाद में आप धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, ठीक है। चलो कहां पे, किसकी, यूएस की। अरे यार फ्रांस वाले कुछ होगा थोड़ी देर के लिए। फॉरेक्स रिजर्व जंप टू 11 बिलियन एस, ठीक है। गवर्नमेंट प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन इंटरमीडिएटरी सेपरेट, इंपैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया बिल, डिजिटल इंडिया वाला जो बिल आ रहा है उसके ऊपर है, ठीक है। देखना पड़ेगा इसमें क्या बोल रहा है, एक बार ये पढ़ के मुझे बताना क्या बात चल रही है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, डिजिटल इंडिया बिल टू रिप्लेस आईटी एक्ट 2000, थोड़ा सा बताना मुझे इसमें क्या है, ठीक। उसके बाद क्या, गवर्नमेंट एक्सटेंड आईडीबीआई बिडिंग टिल, ठीक है। भारत बॉन्ड ईटीएफ, ठीक है। सेंट्रल स्टेट बॉडीज नीड टू डिजिटल इकोनॉमी से एनके सिंह, ठीक है। देखो भैया इन फाइनेंस कमीशन के कौन है ये चेयरमैन, क्या नाम है, और देखो ये क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल स्टेट बॉडीज नीडेड इन एग्री डिजिटल इकोनॉमी, है ना। मतलब ये क्या हुआ, ये वाला सेंट्रल स्टेट बॉडीज, इस तरह की बॉडीज और बनना चाहिए जो किस पे बात करे, एग्रीकल्चर और, है ना, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, समझ गए आप लोग, है ना। जैसे वो अलग अलग काउंसिल्स होती है, मतलब इस तरह की जिसमें सेंटर भी हो पार्टी हो, जिसमें सारे स्टेट्स भी आए और बात काहे की करे, एग्रीकल्चर डिजिटल इकोनॉमी की, ठीक है। चलो उसके बाद इनफ्लो इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, खत्म। चलो भैया एनवायरमेंट नहीं, अभी तो क्या खत्म हुआ, सिर्फ हिंदू बाकी, अभी तो एक तो कुछ है नहीं, ऊपर से खत्म नहीं हो रहे पेपर आज। भैया क्या करे, ऊपर से ये नहीं मानता अलग। चलो ठीक, कुछ दिख रहा है काम का, कुछ नहीं कहां हो रही, हाँ तो तमिलनाडु में तो अब बारिश होगी ना। मुझे नहीं पता, ये क्या है, क्या मेडिसिनल प्लांट, IUCN की रेड लिस्ट मतलब हुआ है, ये कैसा हो गया, वुलनरेबल या एक्सटिंक्ट होने वाला हो गया। चलो ठीक है ना, देखो क्या क्या नाम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और ये दो एंड जो भी लिखा है इज इंडेंजर्ड, ठीक है ना, पेलीटा और दूसरा कैसा है, हटाजीरिया, ठीक है, ओके। मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, कहां पाए जाते हैं, नोन एज पटवा, अच्छा है ना, टिक कर लेना ये सब चीजें। उसके बाद है इन चाइना द स्पेसीज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइल डिसऑर्डर, ब्रोंकाइल समझते हो, ये वाला मैंने बताया था, ब्रोंकाइटिस वाला जो लंग्स और इस पे होता है, ठीक है। चलो यार तीन बोल के दो ही नाम दिख रहे हैं मुझे तो, मिजोपेलेटा ये है, कहा लिखा है, एक और कहां पे, मेरे को यहां से दिख नहीं रहा है, एक अच्छा ठीक है, ये इसे यहां से दिखाना, ठीक है, ये वल्नरेबल है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, ठीक है, चलो ठीक है ना। और देखो अच्छे उसमें काम करता है ये सब, विक्रम स्पेस सेंटर, ठीक है, क्या है भैया, ट्राइसोनिक
विंड टनल पढ़ के आना थोड़ा। देखो कल अपने ने पढ़ा था कि स्क्रैम जेट है ना आ गया। फिर देखो एक और चीज है रैम जेट है ना, पढ़ के आओ है ना, डिफरेंस बिटवीन स्क्रैम जेट एंड रैम जेट। ठीक है वैसे मैं पढ़ा चुका हूं पता है एक बार। एग्रीमेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ, अच्छा अच्छा ये एलडीएफ यूडीएफ पता है आपको, लिखो लिखो लो। हाँ वो क्या ये तो ढूंढ के आना है तुम्हें, एलडीएफ यूडीएफ करोगे मिल जाएगा, मत टेंशन लो है ना। फिर क्या है अ लॉक ऑफ हेयर, ठीक है ये क्या हुआ, पुलिस वाले रो रहे हैं कि गुस्से में। एक्सपांड द फूड सेफ्टी नेट विदाउट एनी मोर डिले, ठीक है प्रोफेसर इकोनॉमिक्स ठीक आई आई टी दिल्ली पढ़ना भैया है ना। फूड सेफ्टी नेट मतलब क्या समझे आप लोग, उसी की बात चल रही है एक तरफ से है ना, कि भाई लोगों को देखो कभी एकदम खाने की जरूरत पड़ सकती है, प्रोडक्शन गिर रहा है हमारा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है ये सब चीजें तो थोड़ा सा पढ़ना इसका। दूसरा चीज क्या है एंकरिंग प्राइस, छोड़ो G20 कैन बी ऑल्टरनेटिव, समझ रहे हो मतलब कितनी बड़ी बात बोल गए, ठीक है पढ़ना ये वाला आपको, इसके बाद ये वाला छोड़ो, ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। ये देखो ये ऐसा चला 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 और ये टकरा गया यहाँ पे, ठीक है क्या है मेंडोस, ठीक है और कोलिजियम, ठीक है कुछ दिख रहा है, इंट्रोड्यूस बिल टू मॉडिफाई एसटी लिस्ट इन 4 स्टेट, ये थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। उसके बाद है बिल सीक्स टू सेटिंग अप ऑफ कमीशन टू कर्व मेडिकल कॉस्ट है ना, काम की चीज है। रेज द एज बार फॉर मैरिज ऑफ मुस्लिम वुमेन, करना चाहिए हाँ। इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट इज एट है ना, ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट मतलब हाँ सही बोल रहा है तू, ऐसा वो नहीं हाँ ठीक है। और कितना है यानी सबसे मतलब 51 बिलियन अपनों ने दिए हैं एक तरह से, आरा कुछ समझ में हाँ, नुकसान है एक इसलिए ना दिए हैं एक तरह से, आरा कुछ समझ में। चलो प्राइवेट बिल ऑन, ठीक है ये भी और सही है। और देखो जिसने मुंह करा कौन है, ये नहीं लिखा कहीं भी, किरोड़ी जी हाँ मीना राजस्थान, चलो ठीक है ये पढ़ना। फिर क्या आईएलओ डिक्लेरेशन अर्जेस कंट्रीज टू इंश्योर लेबर प्रोटेक्शन, हाँ ठीक है हाँ ठीक है, कौन सुनता है इनको फॉर ठीक है चलो भाई खत्म 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 खत्म, चलो एनवायरमेंट।